एसडीएम शैलेश खेरवा ने जन अनुशासन पखवाड़े में भी बिना अनुमति के दुकान और बार चलाने पर बड़ी कार्यवाही की है। उन्होंने झुंझुनू शहर के बड़े रेडीमेड कपड़ों के शोरूमों में शुमार रेडी स्टार गारमेंट्स को न केवल सीज किया है बल्कि उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए वहां पर मौजूद ग्राहकों का भी चालान काटा है। एसडीएम ने बताया कि रेडी स्टार गारमेंट्स के मालिक ने दुकान के मुख्य शटर को बंद कर रखा था और पीछे के दरवाजे से करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को कपड़ा बेचा जा रहा था, जहां भी मास्क और सोशल डिस्टेंस का आता पता नहीं था। शहर कोतवाल मदन कड़वासा तथा तहसीलदार अजीत जानू के साथ यह कार्यवाही भी की गई। इसके बाद बस स्टैंड पर कुल्हरी बार को चेक किया गया, जहां पर बैठाकर लोगों को शराब परोसी जा रही थी। टीम को देखकर शराबियों ने मास्क तो लगा लिया, लेकिन एसडीएम ने बार मैनेजर से पूछा कि बिना अनुमति के कैसे बार का संचालन किया जा रहा है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। इन दो बड़ी कार्यवाही से शहर में हड़कंप मच गया। अनुमत गतिविधियां ही परमिटेड है, उनके अलावा समस्त प्रकार की गतिविधियां निषिद्ध है। आज हम मार्केट में एसएचओ साहब, तहसीलदार साहब के साथ मार्केट में राउंड कर रहे हैं और हमें एक बार ओपन मिला है जिसमें लोगों को बैठा के सर्व किया जा रहा था, जो कि गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। हमने उस बार रेस्टोरेंट को सीज कर दिया। इसके अलावा एक स्टेशनरी की शॉप ओपन थी, उसको सीज कर दिया और एक गारमेंट्स की शॉप जहाँ पे अंदर हमें लगभग 30 लोग मिले हैं, उन सभी पर जुर्माना किया गया है और इस दुकान को सीज कर दिया है और इस दुकान पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। और मेरी सबसे यही अपील है कि जिन कपड़ों की दुकानों में शादियों का सामान पेंडिंग पड़ा है, वो सब अपने कस्टमर्स के मोबाइल नंबर लेकर उनको घर पर सामान पहुँचाएँ, अपनी दुकानों पर उनको कस्टमर्स को ना बुलाएं।